नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंचल इंग्लिश के तहत 932वें दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। यहाँ सो इस वीडियो में 10 लेटर वाले वर्ड जो कि एल से शुरू हो रहे हैं वो भी हैं, एक टेक्स्ट भी है और जो है कैसे हमारे वॉवेल्स पे उसका इफेक्ट है और वॉवेल्स को कैसे पढ़ते हैं उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर कीजिए। जो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम है ओमनीसेंट। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों टेक्स्ट पे आएंगे। टेक्स्ट, जी हाँ दोस्तों, टेक्स्ट धड़ाधड़ अब रोज टेक्स्ट आ रहा है और आप अगर पढ़ने में अभी भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दोस्तों बेकार है वीडियोस देखना, क्योंकि आप रियल में आप अच्छे ढंग से मन लगा कर पढ़िए, आपको 100% गारंटी है कि सब कुछ आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। जी हाँ, तो चलिए ये टेक्स्ट देखिए, ये टेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टेक्स्ट पे मैंने कल भी बात किया था, ठीक है। इस टेक्स्ट को मैं इसलिए मैंने यहाँ लिया है ताकि आप बहुत ही जल्दी से कैसे कुछ पढ़ना सीख सकते हैं, इस पर मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। तो ये टेक्स्ट एनसीईआरटी की बुक से है और जाहिर सी बात है इस तरह के आपको पढ़ना चाहिए बहुत अच्छे तरह से। तो चलिए पहले एक बार इसे पूरा आ जा दीजिए इस पर, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए एक से सवा सेकंड, मतलब एक मिनट सवा सेकंड यानी कह सकते हैं कि सवा मिनट के अंदर आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखिए कैसे पढ़ा था, तेजी से पढ़ेंगे। ऐसे क्या पढ़ पाते हैं आप? ए फ्यू इकोनॉमिस्ट थिंक दैट इंडियन फार्मर्स हैव अ ब्लीक फ्यूचर्स इफ दे कंटिन्यू ग्रोइंग फूड ग्रेन्स ऑन द होल्डिंग्स दैट ग्रो स्मॉलर एंड स्मॉलर एज द पॉपुलेशन राइजेज। इंडियाज रूरल पॉपुलेशन इज अबाउट 833 मिलियन 2011, विच डिपेंड्स अपॉन द 250 मिलियन अप्रॉक्सीमेट हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चरल एंड एवरेज ऑफ लेस दैन हाफ आ हेक्टेयर्स पर पर्सन। इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स, दिस विल इंक्रीज इनकम्स एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन सिमल्टेनियसली, बिकॉज फ्रूट मेडिसिनल हर्ब्स फ्लावर्स वेजिटेबल्स बायोडीजल्स क्रॉप्स लाइक जेट्रोफा एंड जोजोवा नीड मच लेस इरीगेशन देन राइस और सुगरकेन। इंडियाज डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी द हार्नेस टू ग्रो। तो दोस्तों एक मिनट 10 सेकंड के आसपास ये पढ़ लिया गया और इससे भी आप कम में पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या पढ़ा तेजी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए ये जो आज का टेक्स्ट है टुडे, और ये टेक्स्ट दोस्तों जाहिर सी बात है उस टेक्स्ट को अगर 1 मिनट 10 सेकंड के अंदर पढ़ लिया गया तो इसको भी पढ़ लिया जाएगा, बड़ा छोटा सा कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली जब हम लोग पढ़ते हैं तो दो बात का ध्यान रखते हैं, एक तो पढ़ते पढ़ते हैबिट हो जाता है। हैबिट का मतलब क्या होता है? आपका जान पहचान, ये जो आ रहे हैं डिस्प्ले पे, जो आपके जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट, इस टेक्स्ट से हो जा रहा है। आप इन सब जो वर्ड है इन वर्ड्स को आप पहचानते हैं, आप उसका उच्चारण करते हैं सिर्फ पहचान कर, न कि पढ़ते हैं। अगर पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है तो घंटों लग जाए, लोग पढ़ भी ना पाए, जाहिर सी बात है उनको आएगा ही नहीं। जिनको आता है वो सिर्फ देख कर पढ़ते हैं। अभी ये जो सामने दिख रहा है सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ दिमाग में आ जा रहा है और सब कुछ एक्सप्रेस लोग कर दे रहे हैं, ऐसे ही पढ़ा जाता है। जी हाँ, सो रीडिंग करने का मतलब होता है देख कर सिर्फ आप बताते हैं कि ये लिखा हुआ, ना कि उसको प्रॉपरली रीडिंग करते हैं। आपको लगता है कि रीडिंग कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली वो देख कर पहचान कर, जैसे किसी का अपने दोस्त अपने घर में अपने भाई बहन को देख कर आप नाम बोलते हैं, लेकिन वही अगर आप 2 साल 5 साल पहले किसी व्यक्ति से एक और मिले हों और फिर से वापस वो आ जाए आपका रिलेटिव, तो हो सकता है बीच में कनेक्शन ना हो तो आप सोचने लगे कि अरे भाई इसका नाम क्या है, इस तरह सोचते हैं। तो वैसे ही करना होगा, लेकिन प्रैक्टिस से आपको ये जान पहचान बनेगा जो मैं बताता हूँ। तो पहले दोस्तों जो लिस्ट में मेरा जो रहता है पार्ट्स ऑफ वर्ड, उस पार्ट्स ऑफ वर्ड को इस पर देख लेंगे कि वर्ड कौन कौन से पार्ट्स है, ऐसे पहचान बने जिससे कि पार्ट्स आपको याद हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको सन दिख रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये सन है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये चर है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ ए वाई लिखा हुआ इसलिए डी लगा डे हो गया, यहाँ चर है, यहाँ फुल है, ये एबल है, ये सब समझ में आ जाना चाहिए, है ना, वुड है, ए के बाद ई लगा इसलिए एक हो गया। अगर ये आप समझ जा रहे हैं तो समझिए कि आपको पढ़ना आ जा रहा है इंग है तो ये आउट है, निक है, जहर है ना, टिब है, नर है, फ्यूचर है, तो ये तरीका है। उसके बाद फिर अब जो दूसरे जो बचे हुए जिनको जिनका जो पार्ट से को लेना देना है नहीं, अब सब जगह तो वर्ड है नहीं, मान लीजिए एग्रीकल्चर में यहाँ कल और चर दो ही तो पार्ट है, बाकी थोड़ी पार्ट है, एग्री नहीं पार्ट है, एग्री पार्ट नहीं है, आप कह सकते हैं, कह देने के बाद अलग बात है। उसके बाद देखिए यहाँ एक कन पार्ट है, यहाँ सन पार्ट है, डी थोड़ी पार्ट है,
डी पार्ट्स ऑफ वर्ड नहीं है, पार्ट का मतलब पार्ट्स ऑफ वर्ड नहीं, इस शब्द का हिस्सा, लेकिन वो ये शब्द, ये जो डी है, अब डी तो मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बार बार डी मिलेगा, लेकिन ये स्कन सन ये हमेशा मिलेगा। चलिए पढ़ के देखते हैं और समझिए कैसे कैसे पढ़ाया था, फिर तो समझ में आएगा ही। टू, अब ओ को टी ओ को टो पढ़ते टू क्यों पढ़ रहे हैं, तो जब वॉवेल्स आपने देखा, वॉवेल्स जो थिम्बल्स में देखा कि टी ओ को टू क्यों पढ़ रहे हैं, उस पर ही बात हो ही जाएगी कि ओ को कितने तरह से पढ़ते हैं, ए डिपेंड करता है। तो टुडे ए बाई को ए बोलते हैं, सब पे बात होगा। यहाँ पर फिर पढ़ के बताता हूँ मैं, इंडियन इंडियन, एग्रीकल्चर, फाइंड्स इटसेल्फ एट द, देखिए क्रॉस रोड्स, ये क्रॉस है रोड्स है, टू मेक, ए के बाद ई है, इसलिए ए के बाद ई है, तो ए का उच्चारण फिक्स ए के रूप में हुआ है ना, ए के बाद ई है। एग्रीकल्चर, यहाँ से आगे एग्रीकल्चर, सक ई डबल एस को एस बोलते हैं, सी लगा से, सक्सेसफुल, एंड प्रो हो गया फिटेबल, प्रॉपर ट्रस्ट शुड, ओ यू एल डी को उड लेकर तीन वर्ड बनते हैं, शुड कुड और वुड, बस तीन ही है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। वी गिवन, ई एन को एन बोलते हैं, भी लगा वेन हो गया, तो गिवन टू द, ई में पार्ट है, इम्प्रूव, इम्प्रूव एक वर्ड हो जाता है, हालांकि एक ही साथ पढ़ लीजिए, इम्प्रूवमेंट, ई एन टू एन बोलते हैं, ऑफ द कंडीशन ऑफ मार्जिनल, अल को भी पार्ट बोलते हैं, एंड ए स्मॉल फार्मर, ई अल को और बोलते हैं, लगा मोर, द ग्रीन, री देखिए ग्रीन है, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन देखिए पी आर ओ प्रो एक पार्ट है, प्रोमिस्ड ई डी यू वी पार्ट है, मच व्हाट टुडे इट्स ए पेस्ट ऑफ है, अंडर डी लगा डर हो गया, कन भी पार्ट है, कंट्रोवर्सीज आई एस इज भी पार्ट है, इट इज अ विंग आई एन जी को विंग बोलते हैं, एलेक दैट द दैट इट हैज काउज्ड ई डी को एड बोलते हैं, काउज्ड लैंड डिग्रेडेशन टी एन को बोलते हैं, सन ड्यू टू ओवर वी आर ई आर को बोलते वी लगा वर हो गया ओ वर देखिए ड्यू टू ओ ओ अलग पढ़ेंगे ओवर यूज तो है ही नहीं ओवर यूज ऑफ केमिकल सी एच को क्या बोलते हैं ड्राइंग एक्यूफा एंड वैनिस वैनिसिंग आई एन जी क्विंग बोलते हैं वैनिसिंग वायो डाइवर्सिटी ई आर को वी लगा वर biodiversity the key e y okay keyword है ना keyword today is zin revolution दोस्तों इंग्लिश पढ़ना है तो दमदार तरीके से पढ़िए और कोई भी हो कहीं भी इंडिया किसी भी कोने से अगर आप हिंदी हमारी बात को समझ रहे हैं तो इंग्लिश पढ़ना आपको आएगा ही 100% इसकी गारंटी है सिर्फ हमारे बताए हुए रास्ते पे चलिए चलना आपका काम है बताना मेरा काम है दोस्तों चलिए which includes genetic एक होता है engineer near ring हो गया engineering in fact organic nick हो गया forming ing को ing बोलते हैं forming is much in vogue today because it is a practiced with without factory मेड ए के बाद ई है देखिए ए के बाद ई है एक औचार्य के रूप में हुआ मेड केमिकल्स सच एज ई आर करो एफ लगा फॉर फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स अब देखिए ई एन सी को एंस बोलते हैं एच लगा हेंस हो गया इट डज नॉट अफेक्ट एनवायरमेंट ई एन टू गेंट बोलते हैं एम लगा मेंट हो गया एनवायरमेंट इन अ नेगेटिव देखिए इन हो गया एनवायरन मेंट इन ए नी नेगेटिव टिप को याद रखिए ये भी पार्ट है इन्वायरमेंट में ओ को किस तरह से अ बोला जाता है ये समझिए इन्वायरमेंट आई को आई बोला जाता है ना उसके बाद देखिए हम मैनर मैन ई आर को बोलते हैं लगा नर मैनर ए फ्यू इकोनॉमिस्ट्स थिंक द दैट इंडियन फार्मर्स हैव अ ब्लीक फ्यूचर दोस्तों इस तरह से आप पढ़ना सीख सकते हैं जी हाँ तो कैसा लगा ये तरीका अगर इस तरीकों को आप फॉलो करते तो पढ़ना सीखेंगे लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत सकता है वो भी पार्ट्स ऑफ वर्ड पे पार्ट्स ऑफ वर्ड को देखेंगे
लेकिन यहाँ पर दो वर्ड्स वाले जो देश दुनिया बोले यानी वर्ड्स हैं वो पे अपना जवान को क्लियर करें, तरह तरह के टेढ़े टेढ़े शब्द को अगर बोलेंगे तभी तो आपका क्लियर होगा, नहीं तो पता चला कि कभी कभी हिंदी के टेढ़े टेढ़े शब्द भी लोग अच्छे से नहीं बोल पाते, पुराने लोग से आप पूछ लीजिए, बोलने में ही लड़खड़ा जाएंगे। तो खैर लैंथनॉइड, लैंथनॉन्स। नेक्स्ट देखिए लैंथनम्स, लैनुजीनस, वो यूज क्वास बोलते हैं, लैंच लैंचक, नेक्स्ट लोडिसियन, लपारोटॉमी, लैपिडरिस्ट। नेक्स्ट देखिए लैपलैंडर्स। नेक्स्ट है लैपलैंडिस, लैपोनियंस, है ना, ई आई एन, तो देखिए आई ई एन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो ही जा रहा है ना। नेक्स्ट है लैप स्ट्रिक्स, लार्सेनिस्ट, इसको याद रखिए लार्सेनिस्ट। नेक्स्ट देखिए लॉडेसियस, ये हो गया दोस्तों, है ना। तो देखिए अब वॉवेल पे प्रैक्टिस कर लीजिए, वॉवेल के बिना तो कुछ होगा नहीं। जैसे मैंने बताया था कि टुडे, जी हाँ दोस्तों, टुडे क्यों, टुडे में ओ को क्यों जो है ऊ बोला गया, टू, टी ओ टू क्यों बोला गया, तो मैं बताऊंगा। अब देखिए ए को भला ए ही बोलते हैं, लेकिन वर्ड मीनिंग में ही ए आ जाता है, तो यहाँ पर ए को अ, यहाँ पर इस वर्ड मीनिंग में आ, इस वर्ड मीनिंग में ए, इस वर्ड मीनिंग में ए बोला गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजियों ने यही बोला है, तो आपको हमको फिर क्यों बदलने की जरूरत है भाई। अब इसको तो मे डाल तो नहीं पढ़ देंगे, इसके मेड तो नहीं पढ़ेंगे, इसको तो माडे तो नहीं पढ़ेंगे, इसको तो मने तो नहीं पढ़ेंगे, मन, इसको ऐसे थोड़ी पढ़ेंगे, मन, जैसा जो बोला गया है वैसे ही बोलना है, सिंपल। इसके लिए आपको अधिक से अधिक सुनना है इंग्लिश के वर्ड्स, मैं रोज़ बोलता हूँ, रोज एक टेक्स्ट बोलता हूँ, उस पर तो आप फोकस करें, इससे क्या प्रैक्टिस करेंगे जल्दी सीख जाएंगे। ये बात तो आप समझ में आ गया होगा। ई को क्या क्या बोलते हैं, तो ई को सिर्फ ई ही नहीं बोलते, वर्ड मीनिंग में जब ये अ, मतलब ये अ आ ई ई एक रूप में भी आता है, जैसे वाटर में ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ, पेन में ई का उच्चारण एक रूप में, या पीस में ई का उच्चारण ई, और इसके बाद सी ई जो है यो आ के रूप में उच्चारण हुआ। उसके बाद आई को आई भी बोलते हैं, लेकिन आई के अलावा वर्ड मीनिंग में अ आ ई ई भी होता है, आई तो होता ही है, जैसे पी एन पीन में ई को ई, टायर में आई, और सर्कल में आई का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में, सर्कल, है ना, सर्कल बोलते हैं। ओ को क्या क्या बोलते हैं, जैसे टुडे वाला यहाँ बताते हैं कि ओ को तो वो बोलते ही हैं,
जैसे SOME में क्या होता है, ओ का उच्चारण अ के रूप में, सम अबाउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में, अप्रूव में ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, प्रूव प्रूव या टू टूडे है ना, तो ऊ आ गया ना ऊ टू डे टू, या प्रूव या देखिए टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में टोन, अब समझ में आ रहा होगा। चलिए यू को क्या क्या बोलते हैं, यू को अ, यू को तो यू बोलते हैं, यू ऊ नहीं यू बोलते हैं, ये यू बोलते हैं ऊ नहीं, तो इसके अलावा अ आ ऊ भी बोलते हैं, ब्यूटी बट में यू का उच्चारण अ के रूप में, फुट में ऊ का उच्चारण ऊ के रूप में, ट्यून में यू का उच्चारण यू के रूप में। उसके डबल ओ के साथ देखते हैं, डबल ओ के साथ क्या क्या बोलते हैं, डबल ओ में अ आ है ना ऊ ओ और ऊ, तीन खास इंपॉर्टेंट है, जैसे एस डबल ओ एन सून में ऊ का उच्चारण हो रहा है, एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, यहाँ पे देखिए एफ एल डब्ल्यू आर फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है, जो कि यहाँ देखिए है ना दमदार। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे वीडियो को अगर डे वन से देखना चाहते हैं तो हमें सेंड इंग्लिश यूट्यूब को सर्च करें, गूगल पर टाइप कीजिए, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे, तो वीडियो की संख्या 1.1K है यानी 1100 के आसपास वीडियो। अगर आपको बिल्कुल पढ़ने नहीं आता या कुछ नहीं लिख पाते इंग्लिश में, या फिर समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, पढ़ा नहीं जाता, सब भूल नहीं पाते, सब कुछ सीखेंगे बताइए सब सुनना, तो ग्रामर्स की बुक लेना है, मोटर डिक्शनरी करना है, नो ग्रामर्स नो डिक्शनरी, ग्रामर के रूल रेगुलेशन को सेंटेंस स्ट्रक्चर पे हम लोग सीखेंगे, जो कि इंग्लिश टू हिंदी है, यानी इंग्लिश सेंटेंस फिर हिंदी, इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश करके रहेगा, और आप सब लिखते लिखते आपको प्रैक्टिस, लिखते समय क्या करना है बोल बोल के लिखना है, जिससे कि लिखने भी आएगा बोलने भी आएगा, रूल रेगुलेशन भी याद हो जाएगा, तो प्रैक्टिस की चीज़ है, तो हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं। लेकिन अब चलिए पार्ट्स ऑफ वर्ड पे ध्यान देते हैं दोस्तों, टी आई एन को क्या बोलते हैं, ये सब पार्ट जो है इसको लिख लीजिए कॉपी पे, और ऐसे ही पहले टेक्स्ट में इसे खोजेंगे, पहले खोजने का प्रयास कीजिए कि कहाँ कहाँ एम एल रहा, सर्कल कीजिए जी, आप गोल कीजिए कि ऐसे गोल करते हैं, यहाँ सन है इसको सन बोलते हैं, ऐसे करके जैसे मान लीजिए आपको नेशन लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है नेशन लिखा हुआ मिल जाए या नेशनल लिखा हुआ मिल जाए, तो आप खोज के सर्कल कर दीजिए कि ये सन है ये अल है, इस तरह से ई एन है तो एम लगा दीजिए तो मेन हो जाता है, इसके पहले टी लगा दो टेन हो जाएगा, इसके पहले एस लगा दो सेन हो जाएगा, इसके पहले वी लगा दो वेन हो जाएगा, आर लगा दो रेन हो जाएगा, कई वर्ड बनते हैं। उसके बाद देखिए सी एल से क्या क्या वर्ड बनता है, बहुत सारे वर्ड बनते हैं, ई सेन सी एल, यहाँ सी एल भी है और एन है, एस लग गया तो सेन हो गया ना, कंज के लिए क्या होता है कंज्यूमर, ई आर कर बोलते हैं लगा मर एस यू उनको कन बोलते हैं कंज्यूमर। उसके बाद चर के लेके जैसे नेचर हो जाता है, नेचर नेचर का चर, फर्नीचर का चर, ये सब चर तो आता ही आता, कंडीशन का सॉरी कंप्यूटर कंप्यूटर, तो यहाँ देखिए ई आर कर बोलते टी लगा टर हो गया सी एम कम भी आ गया। उसके बाद चुअल है जिसमें फैक्चुअल कर देते हैं, फैक्चुअल फैक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक, ठीक है तो फैक्ट यानी कि तथ्य, फैक्ट उसे तथ्य परक हो गया फैक्चुअल, ई आर को लेकर वर्ड मीनिंग है, जैसे ई आर लगा एम का पहले मर हो गया, टी के पहले का टर हो गया, जैसा बन जाएगा, एस लगा देते जर हो जाता है, जेड लगा जर हो जाएगा, एल लगा दे तो लर हो जाएगा है ना, एन लगा देगा तो नर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रो, जैसे प्रोविजन, दो वर्ड यहाँ पर क्लियर हो जाएगा प्रोविजन लेने से, जैसे यहाँ देखिए एस आई एन को जन बोलते हैं, जो कि यहाँ जन है, प्रोविजन सन भी कमीशन में एस आई एन को सन बोलते हैं, स्पेलिंग देख जानते हैं सी ओ डबल एम आई डबल एस आई ओ एन, तो ये देखिए सन है, यहाँ सन उच्चारण हो रहा है यहाँ जन उच्चारण हो रहा है, कम तो है ही। अब यहाँ देखिए इम्पॉर्टेंट, ये टेंट है, यहाँ आ गया एम भी है, अब नेचुरल में आपने देखा है नेचुरल देख लीजिए, नेचुरल लिखते हैं फनी या नेशनल लिखते हैं तो क्या होता है, अल तो आता ही है। उसके बाद लॉजी है, जैसे इकोलॉजी, इको भी पार्ट है, लॉजी पार्ट है, ई एल जैसे फेसियल, सी एल हो गया ना ई एल, टिव जैसे सेंसेटिव सेंसिटिव, सेंसेटिव लोग बोलते हैं लेकिन सेंसिटिव वर्ड होता है, सेंसिटिव सेंसिटिव नहीं, या कॉम्प्रिहेंसिव, देखिए चार पार्ट है, कम कॉम प्री पी हो गया, एच ई एन हेन हो गया, एस आई बी सी हो गया, ठीक है ना, एक पार्ट दो पार्ट तीन पार्ट चार पार्ट, अब चार पार्ट बना के एक वर्ड बन गया कॉम्प्रिहेंसिव है ना। यहाँ भी आप देख रहे हैं कम भी है हैंड भी है और यहाँ से सिव भी आ गया, और जाहिर सी बात है प्री तो अगला साइड में देखेंगे। अब इस को लेके जैसे
आपने पिछले भी देखा, चलिए मैं इसी को लेता हूँ, ड्यूटीज इज आगे ना एंस को लेके, इसे इम्पोर्टेंस यहाँ भी लेंगे, इम्पोर्टेंस ही इम्पोर्टेंट लिया था, IMPORTANCE इम्पोर्टेंस। उसके बाद सी जैसे INITIATED इनिशिएटेड, TIA को CA बोलते हैं। यहाँ देखिए प्रेजेंस, प्रेजेंस में देखिए ENC को N, CS को जा बोला गया प्रेजेंस। उसके बाद देखिए यहाँ पर टेड, जैसे टेड को टेड बोलते हैं, प्रेजे इनिशिएटेड, इनी सी ए भी है टेड भी है, ऐसे मेन MAIN मेन या RAIN रेन है ना, कई वर्ड बन गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर एज, जैसे लिंकेज, लिंकेज हो गया, नेस्ट देखिए नेस्ट या रेस्ट या बहुत सारे EST वेस्ट, कई वर्ड बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ओक्लैग, ओ डब्ल्यू को क्या बोलते हैं। अगर सिर्फ एन ओ डब्ल्यू रहता तो नाउ, अगर जी आर ओ डब्ल्यू रहता तो ग्रो, अलग अलग वर्ड मीनिंग अलग अलग उच्चारण होता है, ये कैसे डिसाइड होगा? तो आपको सुनकर जो भाई जाहिर सी बात है बिलो का, लेकिन ओ डब्ल्यू ज़्यादा आता है, आओ को लेकर कम आता है ना, ये बात तो मैं कहूँगा हमेशा, इसको समझना होगा। एस्योर्ड, एस्योर्ड एस यू आर ई है, एस्योर्ड। उसके बाद देखिए यहाँ पर ए, तो ए वाई मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए, इसके पहले एस लगा दिए सी हो गया, इसके पहले डी लगा दिए डे हो गया, इसके पहले पी लगा दिए पे हो गया, इसके पहले एम लगा दिए मे हो गया, इसके पहले आर लगा दिए रे हो गया, इसके पहले जी लगा दिए गे, इसके पहले एल लगा दिए ले, कई वर्ड बन जाए। कंट्रीब्यूटेड है ना, कंट्रीब्यूटेड, टेड भी है, कन भी है, ट्री भी है, बी यू हूद सिर्फ पढ़ना था हम लोग को, तो वो अलग बात है। मैट जैसे कि दैट, दैट का तो आप देखते ही हैं, दैट हमेशा आता है, दैट मैट रैट लैट कैट है ना। इको के लिखे इकोनॉमिस्ट, इकोलॉजी, इकोनॉमिस्ट, इको आ गया। नेक्स्ट देखिए एट, जैसे आप यहाँ कर सकते हैं मेट, कर सकते हैं रेट, रेट में दर होता है, टर्न कंसर्न TERN CERN CON CERN कंसर्न, कई वर्ड हो जाते हैं। यहाँ प्री भी बोलते हैं और प्रे भी बोलते हैं, प्रे को लगा कर जैसे आप प्रेजेंट कर सकते हैं प्रेजेंट, या प्री को लगा कर प्रीफिक्स कर सकते हैं, प्रीसेट कर सकते हैं, कुछ भी बता दीजिए, यहाँ प्रीसेट ले लेते हैं, प्रीसेट। उक को लगा कर टी डबल ओ के क्या होगा, टुक, एल ओ डबल के लुक, सुख अस जैसे कंटिन्यूअस या सीरियस देखते हैं, सीरियस अस आ गया ना, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस अस हो गया कंटिन्यूअस। ओनली 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 के बाद देखिए यहाँ कल है, सीवल कल, तो कल, और यहाँ देखिए चर, चर भी है कल भी है, दोनों दोनों पार्ट है, कल भी है चर दोनों पार्ट है। को कोऑपरेशन, को ओपरेशन, यहाँ देखिए सन है, को है, ओपे है, रेशन है, तो को याद रखिए और सन को याद रखिए, पाठ है हमारा, बीच का तो बात कर देख लेंगे। आइट जैसे IGHT के पहले एन लगा देंगे तो नाइट है, के पहले एम लगा देंगे तो माइट है, के पहले एस लगा देंगे साइट है, पहले टी लगा देंगे साइट है, एफ लगा देंगे फाइट है ना, फिर एफ लगा दें फ्लाइट है, बी आर लगा दें ब्राइट है, कई वर्ड बन जाएंगे आपको। इंग को लगा के जैसे गोइंग, ये हमेशा एक्शन वर्ड के लास्ट में आता है, कमिंग है ना। नेक्स्ट देखिए एक को लगा कर एक्सेस, बहुत बड़े मिलता है लेकिन छोटा छोटा मैं ले रहा हूँ, या पुलिस सी है लास्ट में, अब देखिए पुलिस में सी है लास्ट में आप दिख रहा होगा, ऐसे भी। अब यह देखिए लेस को लगा के, देखिए एस को ई डबल एस को लगा कई वर्ड है, सी लगा से एस, एन के साथ रहता तो नेश, एल के साथ तो लेस, जैसे लैंडलेस, लैंड हो गया और एल डबल एस लैंडलेस, यहाँ एल एम को काम बोलते हैं, एल एम को क्या बोलते हैं, काम, सॉरी एल एम को एल एम, तो ये एल जो साइलेंट है तो एल एम को माँ बोल रहे हैं, तो सी ए एल एम में एम साइलेंट है, उच्चारण हो रहा है काम,
बहुत जगह मिल सकता है आपको वॉक, एल यहाँ भी साइलेंट आपको मिल रहा है वॉक, यहाँ देखिए लॉज में, ठीक है जी है, बहुत काम का चीज़ है इसलिए मैं बार बार बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए अमोंग शोंग है ना, यहाँ देखिए साइन SIGN साइन, कई वर्ड्स हैं जी हाँ, तो कई अनेकों वर्ड्स हैं और उन पर फोकस करते रहिए, इसको पहचानिए, हर जगह खोजिए, हर एक वर्ड मीनिंग खोजिए, 100% दोस्तों आप सीख जाएंगे पढ़ना। कुछ और देख लीजिए, ई जैसे टी के साथ लगा दिए, TNT टेंट है, RENT रेंट है, रेंट है ना रेंट, ऑन से ऑन ऑनलाइन, बहुत सारे वर्ड मिल जाते हैं, ऑन गोइंग, इम से जैसे एम्प्लॉय, इम प्लॉई, इम हो गया प्लॉय हो गया, ऑन से ड्रोन, ड्रोन कैमरा का नाम सुना है ड्रोन, या प्रोन या टोन, कई वर्ड बन जाते हैं। एबल को लेकर जैसे एक वर्ड ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए, COMFORTABLE एबल हो गया, टी के साथ लगा था टेबल हो गया, ये तो कंफर्म हो गया, एक कम भी है फोर भी है, तो दो तीन पार्ट हो गया, ई के लगा कर TEAT या LEAK लिख है ना लिख। नेक्स्ट देखिए डिस, तो डी इसके ऊपर डिस जोड़ दीजिए, डिसकम्फर्टेबल, एक दो तीन चार, चार पार्ट मिलके एक वर्ड मीनिंग, जी हाँ सुजन, जैसे रीजन है ना रीजन, तो जन यहाँ आ गया, इसको जन पढ़ेंगे, क्योर प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट, क्योर भी है प्रो भी है मेंट भी है, ईवल जैसे सेंसिबल, सेंसिबल, अब देखिए इसके साथ लगा है ईवल तो सिबल हो गया, EN के पहले S लग गया तो सेन हो गया सेंसिबल। नेक्स्ट इम, इम्बैलेंस, नाम सुना है इम्बैलेंस वर्ड सुना है क्या, ये इम्बैलेंस वर्ड, तो इम है एंस भी है, दो दो पार्ट हो गया, सिर्फ ये तो पढ़ना था, EX को एक्स बोलते हैं और एक्स भी बोलते हैं, आपको जो लग जाए जो मिल जाए उसे उच्चारण कर देंगे, जैसे एक्सचेंज या एग्जाम, देखिए कई वर्ड मिल गया, ये तो डिपेंड करता है कि आपको प्रैक्टिस कितना है, प्रैक्टिस कितना करते हैं, लेकिन ये समझ में आया कि हाँ इस तरह के जो है पार्ट्स होते हैं। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको क्या करना है कि वोवेल प्रैक्टिस करिए जरूर, AEIOU और डबल ओ को लेकर के कैसे कैसे उच्चारण करते हैं, इसके लिए आपको करना क्या है कि 200 वर्ड मीनिंग का एक कलेक्शन करिए, जिसको 10 दिन में आप प्रैक्टिस करना है, जी हाँ दोस्तों 20-20 वर्ड लेना है, 10 दिन तो कर लीजिए, 11वें दिन आपको खुद ब खुद कोई भी वर्ड मीनिंग पर लिखना पढ़ना लिखना बोलना मतलब आ जाए इजीली। जैसे प्रैक्टिस कैसे करना है, एक तो करेक्ट वर्ड लेना है और दूसरा करेक्ट उच्चारण आना चाहिए, अभी नहीं कंपनी को कंपनी कंपनी ऐसा गलत उच्चारण नहीं करिएगा, सही वर्ड सही उच्चारण, अपना ही वर्ड आज तक जो आपने कभी बोला हो कभी सुना हो वही वर्ड लीजिए, कुछ नहीं नया नहीं लेना, नया दम बिल्कुल नहीं लीजिएगा, ये मैं बोल रहा हूँ फिर से वार्न कर रहा हूँ कि नया नहीं पुराने वर्ड्स को फिर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कंपनी में का उच्चारण क्या हुआ तो अ हुआ है, सॉल्ट में का उच्चारण क्या हो रहा है तो ए का आ हो रहा है, केयर में का उच्चारण ए हो रहा है, मैप में ए का उच्चारण क्या हो रहा है तो ए हो रहा है, एकदम सिंपल। परफेक्ट में दो ई है, पहला ई जो है PER ई जो है अ के रूप में हो रहा है, दूसरा फेक्ट वाला ई जो है वो ए के रूप में हो रहा है, बगल में हिंदी में लिखा है प्रीफिक्स में जो ई है छोटी बड़ी दोनों लिख लिया मैंने, टेन में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में हो रहा है, SIR में आय का उच्चारण अ के रूप में, फिग में आय का उच्चारण छोटी के रूप में, टीन में आय का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में हो रहा है, उसके बाद LINE लाइन में आय का उच्चारण आ ई के रूप में लाइन, SON में वो क्या पढ़ते हैं अ स न आ उट आ प्रूव या मूव या टुडे, आप देखिए टुडे ही देखिए टुडे, ऊ को ऊ बोला गया ना, ओ को सिंगल ओ है ओ बोला गया मोटो में, ओ को ओ बोला गया मोटो, ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हो रहा है बट अ, ब्यूटी पुट में यू का उच्चारण क्या हो रहा है ओ हो रहा है, ट्यून में यू का उच्चारण क्या हो रहा है ई यू हो रहा है, FLOOD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में और लुक में डबल ओ का उच्चारण दोस्तों ऊ के रूप में। दोस्तों ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे अगर प्रैक्टिस करते हैं तो गारंटी है पढ़ने का, आपको 100% गारंटी से है दोस्तों कि आप पढ़ जाएगा। देखिए सबसे पहले वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए और वैसे लोग को शेयर कीजिए जिनको बिल्कुल नहीं आता, खासकर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में और जो खासकर हमारी आधी आबादी को जरूर दीजिए ताकि वो और भी सीख सकें।
इंग्लिश बहुत काम का चीज़ है दोस्तों। और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे की जरूर दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे आपको डाउनलोड कराना बोले कुछ, ठीक है, डायरेक्ट ओमनीसेंट हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको। एक बुक के रूप में इसका लोगो है। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, और प्ले लिस्ट का लिंक है दोस्तों यहाँ पर। आपको जो अच्छा लगता है उसको टच करके मैं हम वीडियो को लगातार देखते रहिए दोस्तों। इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद। हम जो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।